हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे आप सब? स्वागत आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में यार एक बहुत बड़ी लिरिक्स की वेबसाइट का केस स्टडी मैं आप सभी के लिए लाया हूं। देखो यार, इन फ्यूचर अगर आप एक लिरिक्स की वेबसाइट पे काम करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को यार प्रॉपर फॉलो करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर डिटेल बताऊंगा उस वेबसाइट के थ्रू कि किस तरह से यार आपको अपने आने वाले लिरिक्स वाले वेबसाइट पे काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप घिसी पिटी तरीके से यार पुराने मेथड के तरीके से अगर आप काम करोगे तो काम आपका नहीं चलेगा। क्योंकि देखो यार, मार्केट में काफी सारे लिरिक्स की वेबसाइट आज के समय में आपको देखने को मिलेगा, तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई है। ऐसे में आपको रैंक कैसे करना है, आज के समय में आपको पूरा प्रॉपर डिटेल गाइड में आपको देना वाला, किस तरह से एडसेंस का अप्रूवल वगैरह आपको लेना, सारा कुछ बताऊंगा। तो वैसे अगर अभी चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मैं जिस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ वो है AJLyrics.com, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी वेबसाइट भाई, ठीक है। इसका ट्रैफिक देख के आपको अंदाजा लग जाएगा, और ये देखो कोई एक दो दिन की वेबसाइट नहीं है भाई, काफी पुरानी वेबसाइट है, तो लेजिट वेबसाइट है। और ये किस तरह से काम कर रही है, कॉपी पेस्ट करती है या नहीं, सारा कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका आपने डोमेन देख लिया, आप अपने लेवल पे भी जाकर इसे अपने ब्राउजर में सर्च करके चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यार, इसका मैं आपको ट्रैफिक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट का ट्रैफिक आप अपनी आंखों से देख लो भाई, कितना आ रहा है इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे भाई, 17 मिलियन से ऊपर का ट्रैफिक ये वेबसाइट मंथली का रिसीव कर रही है। और ये जो सिमिलर वेब है भाई, वो अप्रोक्सीमेट ट्रैफिक दिखाता है, इससे ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, और नीचे भी हो सकता है। तो एक अंदाजे से आप समझ लो कि 20 मिलियन के आसपास तो ये ट्रैफिक भाई 100% ले रही होगी, क्योंकि मैं इसे काफी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी काफी सारी वेबसाइट्स है, मैं उन पे भी काम करता रहता हूँ लिरिक्स वगैरह टाइप पे, ठीक है। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन होता है गाइस काफी लोगों का, कि इस तरह की वेबसाइट पे भाई मतलब कि एडसेंस का अप्रूवल मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे आप खुद देख लो यार, यहाँ पे एड्स जो है एडसेंस के वो भरे पड़े हैं। देखो यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे भाई एडसेंस के एड्स है, ठीक है, एड्स बाई गूगल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे। और इस पर्टिकुलर वेबसाइट का आप लेआउट देखो यार, कितना ज्यादा सिंपल है भाई, ठीक है, इसे बच्चा बच्चा डिजाइन कर लेगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट भी दिखा देता हूँ यार। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक कंटेंट ओपन करके आपको दिखाता हूँ भाई, क्या किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट के ऑनर है गाइस वो काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो लिरिक्स का जो नाम आ गया, और बस ये लिरिक्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल दिया गया है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है, कॉन्टेंट यहाँ पे पूरी तरह से खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्टेंट का तो भाई कोई हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर इस तरह की जो वेबसाइट है ना भाई, यहाँ पे कॉपी पेस्ट का ही काम होता है। काफी लोग यार देखो इस चीज से भी डरते हैं कि आज के समय में अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो भाई हमारी वेबसाइट चलेगी या नहीं। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, 100% आपकी वेबसाइट चलेगी, पूरी इंडस्ट्री भाई कॉपी पेस्ट कर रही है, ठीक है। अब मूवीज के केसेस में देख लो यार, हर मूवी का भाई मतलब कि कभी तमिल वर्जन आ जाता है, कभी तेलुगु वर्जन आ जाता है, कभी मराठी वर्जन आ जाता है, ठीक है, और स्टोरी वगैरह सब कुछ सेम होती है। तो पूरा टोटल इंडस्ट्री भाई कॉपी पेस्ट का ही चल रहा है, बस आपको अपने फ्लेवर में उस चीज को प्रोड्यूस करना है अपने वेबसाइट पे या किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो। तो हर कोई भाई मतलब कि सेम टाइप का कॉन्टेंट डाल रहा है, लेकिन अपने फ्लेवर में, अपने लेआउट में डालता है। तो यहाँ पे जितने भी कॉन्टेंट है भाई कॉपी पेस्ट का ही है। और ये वेबसाइट जिस तरीके से काम कर रही है ना भाई, आप इस तरीके से काम करोगे तो एक दिन में आप देखो 50 प्लस भी आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे काम आपको किस तरह से करना है अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो यार, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो सबसे पहले तो आपको यार वेबसाइट बनानी पड़ेगी। और अभी अगर आप सोच रहे हो वेबसाइट बनाने का, तो सोचना बंद करो भाई, स्टेप लो। जब तक आप स्टेप नहीं लोगे ना, तब तक आपको ना ही रिजल्ट मिलेगा ना ही कुछ, ठीक है। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए, चाहे आपको रिजल्ट में आपका फेल आए या पास आए, लेकिन भाई जब आप मतलब कि स्टेप्स लोगे तभी ना चीजों का आपको मालूम चलेगा। तो सबसे पहले यार आपको क्या करना है, अपनी एक वेबसाइट रेडी करना है। और वेबसाइट आपको बनाने में ये जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, काफी जेन्युइन कंपनी है, इसे मैं पिछले 3 सालों से यूज करता आ रहा हूँ। क्योंकि जब आपको एक वेबसाइट बनानी होगी ना, तो आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक अच्छा सा होस्टिंग लेना पड़ेगा, जो आप होस्टिंगर से ले सकते हो। इसके फायदे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यार, यहाँ पे 75% ऑफ चल रहा है, जिसमें आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा, और SSL जो है वो अनलिमिटेड डोमेन पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसका बहुत ही मस्त फायदा भाई, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइस है ना, काफी सारे होस्टिंग कंपनी से काफी कम है, ठीक है। तो आपको काफी, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। प्लस प्रो लेवल पे भी अगर आप काम करते हो,
उसके उनके लिए भी ये जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक तरह का होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वीपीएस सर्वर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली। मैंने इसका प्रॉपर वीडियोस वगैरह यार अपने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो इस कंपनी के बारे में तो जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो चैनल पे आपको हमारे मिल जाएगा। बाकी इसका बेस्ट वैल्यू मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से चेकआउट कर लेना जो भी प्लान आपको पसंद आता है। यहाँ पे आपको होस्टिंग पे वेब होस्ट पे क्लिक करना है, तो देखो यहाँ पे जो सस्ते प्लान है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको ये प्रीमियम से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डोमेन और SSL फ्री मिलेगा, फर्स्ट वाले में नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का लेने का कोई फायदा नहीं है वैसे, अगर आप चेक करना चाहते हो देखना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बाकी आप प्रीमियम से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो यार 30 दिन का मनी बैक का गारंटी भी मिलता है, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप पूरा का पूरा पैसा वापस ले सकते हो भाई इस कंपनी से, और 100% आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो आपने यहाँ से अपनी मतलब की वेबसाइट्स को क्रिएट कर लेना, उसके बाद गाइस उस पे करना है वर्डप्रेस को इंस्टॉल और अपनी एक अच्छी सी सिंपल सा वेबसाइट तैयार कर लेना, ठीक है। तो वेबसाइट और डोमेन रजिस्टर करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है इसने अपने डोमेन में यार कीवर्ड्स के साथ खेला है। यहाँ पे देखो AZ तो लिखा हुआ, ये रैंडम की रैंडम मतलब कीवर्ड है, लेकिन ये जो लिरिक्स है ना भाई ये एक सर्चेबल कीवर्ड है। हर कोई जब भी मतलब की गाना वगैरह सर्च करता है उसके उसको अगर लिरिक्स वगैरह चाहिए तो वो क्या लिखेगा डोमेन मतलब गूगल में जाकर के गाना के आगे लिरिक्स वगैरह वो डालता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है इस तरह की, जैसे अगर आपके डोमेन में कीवर्ड्स होगा ना तो आपका जो कंटेंट है वो काफी जल्दी यार मतलब की लोगों के नजर में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, जब भी आप डोमेन सेलेक्ट करो तो मेक श्योर कि आपके डोमेन में आपके निच से रिलेटेड कीवर्ड 100% इंक्लूडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अगर आप लिरिक्स वाले वेबसाइट्स पे काम करना चाह रहे हो तो आपके डोमेन में क्या है ना, लिरिक्स का जो कीवर्ड है गाइस वो आना चाहिए। जैसे ये वेबसाइट AZ लिरिक्स यूज कर रही है तो आप AS लिरिक्स यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं सेम नाम, आप अपने हिसाब से जो भी नाम डालना चाहते हो डाल सकते हो, लेकिन लिरिक्स का कीवर्ड जरूर से जरूर यूज करना। अगर आपके दिमाग में बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा है तो आप एक वेबसाइट का यूज कर सकते हो, ये है leandomainsearch.com, ये आपको आइडिया दे देगा। बस यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड लिखना है, जैसे आपको अपने डोमेन में लिरिक्स से रिलेटेड कीवर्ड चाहिए तो यहाँ पे जस्ट आप लिरिक्स लिख दो। जैसे आप लिरिक्स लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली फिर क्या है आपको सर्च करना है। तो ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है ना काफी सारे डोमेन आइडियाज आपको मतलब कि यहाँ पे स्क्रीन पे दे देगा, और यहाँ से कोई भी एक डोमेन आप सेलेक्ट करके उस पर अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो, सारे डोमेन्स अवेलेबल हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया जैसे आप होस्टिंगर से होस्टिंग लोगे तो यहाँ तो डोमेन आपको फ्री मिल जाएगा, बस आपको नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ से क्लेम कर लेना, ठीक है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद बस अपने वर्डप्रेस पे यार एक मतलब कि जनरेटप्रेस का थीम इंस्टॉल कर लेना और एक सिंपल सी वेबसाइट बनानी है आपको। देखो यार इस तरह की नीचेस पे काम करने के लिए ना आपको अपनी वेबसाइट्स के लेआउट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस आप जनरेटप्रेस का थीम मतलब कि इंस्टॉल कर लो और उसे नॉर्मली सेटअप करो, और सेटअप को अगर आपको फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए किस किस चीजों का आपको सेटअप के वक्त ध्यान रखना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो दे दूंगा, क्योंकि वो सारी चीजें भी है जो बेसिक चीजें होती है वो भी जरूरत होती है। यहाँ पे मैं प्रॉपर नहीं बता सकता नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो जनरेटप्रेस का फ्री जो थीम है गाइस इसी का आप यूज कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशनल या प्रो लेवल का थीम आपको लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद गाइस आपके पास होना चाहिए कीवर्ड्स। देखो यार आज के समय में अगर आप रैंडम तरीके से काम करोगे, जस्ट जैसे आपने लिरिक्स की वेबसाइट स्टार्ट कर दी और जो भी नया गाना वगैरह आया आपने उसका लिरिक्स उठाया और अपनी वेबसाइट्स पर डाल दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो जो भी नया गाना आता है ना ऑलरेडी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है यार उनकी वेबसाइट से पहले ही अपलोड हो जाता भाई, तो उनकी वेबसाइट से गूगल में सबसे ज्यादा दिखाई देती है, तो आपको उन गानों को टच नहीं करना है जो भी लेटेस्ट रिलीज गाने होते हैं, आपको यार लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स पे काम करना है। तो यार देखो मैं जो कीवर्ड्स है ना इस तरह की नीचेस की या इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स की, मैं और ये लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स आपको मिलेगा कहाँ से, मैं आपको यार प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में। देखो इस तरह के वीडियोस यार आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा जो प्रॉपर कीवर्ड्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करते, क्योंकि जब तक आपको आपके पास कीवर्ड्स नहीं आएगा यार आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, आप अपने लेवल पे भी रिसर्च करने में ही लग जाओगे तो वहां पे ही आपका टाइम निकल जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है गाइस काफी बड़ी वेबसाइट है और इसका 1000 के आसपास का कीवर्ड्स गाइस मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मीडियाफायर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और कीवर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे फिल्टर करके रख रखा है, ठीक है। 1000 के आसपास ये कीवर्ड्स है तो काफी लंबा चौड़ा कीवर्ड है भाई, ठीक है। पहले अभी आप इन कीवर्ड्स पे काम करो, फिर जैसे आप इन कीवर्ड्स पे काम खत्म कर दूंगा ना उसके बाद आप मुझे कमेंट कर देना, मैं और भी ज्यादा कीवर्ड्स आपको लिस्ट कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो आपको इन कीवर्ड्स पे काम कैसे करना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखो काफी सारे कीवर्ड्स मैंने आप
आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, सबसे पहले यार ये जो आपको रैंकिंग डिफिकल्टी का एक सेक्शन दिख रहा है, आपको इसी तरह से एक्सेल का फाइल मिलेगा। तो आपके मतलब कि लैपटॉप में यार एक्सेल होना चाहिए, और अभी जब भी आप नया लैपटॉप वगैरह परचेस करोगे ना तो उसमें यार आपको एक्सेल ऑलरेडी मिल ही जाएगा, ठीक है, इनबिल्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको लैपटॉप का भी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लैपटॉप भी बाय कर लेना, ठीक है। नहीं तो यार एमएस ऑफिस या WPS ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसे आप इंस्टॉल कर लेना यार, ठीक है, लैपटॉप क्या बाय करने जाओगे। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ये जो रैंकिंग डिफिकल्टी का एक सेक्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे ये फिल्टर का कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉक्स बन के आ जाएगा, इस पे आप क्लिक करो, और यहाँ से आपको ना यार देखो 0 to 30 मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी के आसपास का जो कीवर्ड्स है उसे आपने सेलेक्ट करना है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आप जब वेबसाइट्स बना रहे हो तो आपकी वेबसाइट भाई नई है, ठीक है। तो आप अगर मतलब की हाई कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड्स को टारगेट करोगे या नए गाने वगैरह को टारगेट करोगे तो आपकी वेबसाइट भाई रैंक नहीं कर पाएगी। तो आपको लो कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड्स पे टारगेट करना है। तो यहाँ पे मैं 0 to मतलब की 30 के आसपास के कीवर्ड्स को आपको फिल्टर करने बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको सेम टू सेम इसी तरह से आपको अपनी वेबसाइट पे काम करना है भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 0 to 30 के आसपास आप कीवर्ड्स को इस तरह से फिल्टर कर लो, ओके पे क्लिक करो। तो यहाँ पे अब जो भी आपको कीवर्ड्स दिखाई देगा ना, ये सारे के सारे मतलब कि नॉर्मल कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स है, ठीक है। तो इनके ऊपर अब आप नई वेबसाइट्स पे भी काम कर सकते हो, और इन पे भी आप वॉल्यूम देखो यार, 1-1 लाख से ऊपर का वॉल्यूम है, काफी गजब का वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाएगा इन कीवर्ड्स पे भी, ठीक है। तो जैसे जैसे फिर आप पुराने होते जाओगे इंडस्ट्री में, उसके बाद आप अपनी डिफिकल्टी को बढ़ा सकते हो और उन कीवर्ड्स पे भी काम कर सकते हो, और लेटेस्ट गाने को भी आप टारगेट करते रहो। कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे कुछ नए गाने आते हैं तो बाकी वेबसाइट्स कवर नहीं कर पाती, तो अगर आपने उस गाने को कवर कर लिया तो गूगल आपकी वेबसाइट्स भी दिखा सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप 10 मतलब की कीवर्ड्स पे काम करते हो तो 5 कीवर्ड्स के लेटेस्ट गाने जो रिलीज होते उनके ऊपर भी आप काम कर दो। कुछ इस तरीके से आपको भाई मतलब की मिक्स करके काम करना है, देन डेफिनेटली गाइस आपको रिजल्ट आपकी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस को अप्लाई करोगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। बाकी जो कीवर्ड्स वगैरह सारा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जो भी मैंने वेबसाइट्स की लिंक वगैरह आपको बताई सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। देन आई होप यार आज का ये वीडियो गाइस आपको पसंद आया हो, और इसी तरह की केस स्टडीज के लिए अगर आपको और भी वीडियो चाहिए और भी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, या आपके पास कोई वेबसाइट है उसके ऊपर केस स्टडी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में नहीं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।